मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज के स्टूडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, हम पिछले कुछ दिनों से MBA के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और वो भी IIM का MBA, जिससे हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और हर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब तक हमने बेंगलोर के बारे में इंफॉर्मेशन लिया, अहमदाबाद के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है, और आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे IIM जम्मू, जो जम्मू एंड कश्मीर में प्रस्तापित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IIM जम्मू। जब भी हम एडमिशन लेने का सोचते हैं, तभी हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल वहाँ पे आते हैं, जैसे कि अगर जम्मू IIM जम्मू में मुझे एडमिशन लेना है तो मुझे पता करना होता है कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं। साथ ही में वहाँ पे अगर मुझे एडमिशन लेना है तो फ़ी रेंज क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, अगर वहाँ पे एडमिशन लेना है तो कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन देना होगा और कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस देनी होंगी, अगर वहाँ से हम MBA और कोई और डिग्री कंप्लीट करते हैं तो सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल परसेंटाइल क्या, रैंक क्या होगा अगर एडमिशन लेना है तो, अगर वहाँ पे ही एडमिशन लेना है तो हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत सारे ऐसे और इस प्रकार के सवाल आप अपने दिमाग में होते हैं, हमारे दिमाग में होते हैं, और सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के दौरान देने वाला हूँ। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरी दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल में नए हो, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना भूले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इस एकेडमिक चैनल का नाम है एकेडमिक इंसाइट्स और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के वीडियोस के, नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको अपने आप मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरे सभी दोस्तों से ये दरख्वास्त है, विनती है, सूचना है कि आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आपको आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं वो सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो हम बना रहे हैं IIM जम्मू के बारे में। अगर मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में एडमिशन लेना है तो क्या है प्रोसेस, क्या होगा फीस, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, क्या होगा एग्ज़ाम के बारे में, ये सभी सवाल और यहीं पे हैं उसके जवाब। तो देखते हैं हम, ये जो IIM जम्मू है ये 2016 में प्रस्तापित इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे मैनेजमेंट का एजुकेशन दिया जाता है। जो IIM जम्मू है 2016 में शुरू हुआ, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है। जहाँ तक NIRF रैंकिंग का सवाल है, इसका अब तक रैंकिंग नहीं हुआ है, ये लेटेस्ट इंस्टीट्यूशन है, पिछले 4-5 साल में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इसलिए इसका NIRF रैंकिंग नहीं हुआ है। जहाँ तक हम इसके कैंपस की बात करेंगे, ये जो कैंपस है 200 एकड़ में ये कैंपस प्रस्तापित हुआ है, जम्मू कश्मीर जैसे जिसको हम स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं इंडिया का, जिसको हम हेवन बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं दुनिया का, वहाँ के 200 एकड़ में ये पूरा कैंपस है। यहाँ पे 3 प्रकार के कोर्सेज स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं और 3 प्रकार के कोर्सेज यहाँ पे सिखाए जाते हैं। जहाँ तक कि फ़ी का सवाल है, यहाँ पे जो फ़ी रेंज है वो 6.9 लाख है। जो फीस वहाँ पे चार्ज किया जाता है वो ऑलमोस्ट 7 लाख का फ़ी है जो बच्चों को यहाँ पे चार्ज किया जाता है। जब हम एलिजिबिलिटी के बारे में सोचेंगे तो हमारे पास डिग्री होना ज़रूरी है, कोई भी डिग्री हो, BA हो, BCOM हो, BSc और कोई भी एनी प्रोफेशनल डिग्री हो, हमारे पास होना ज़रूरी है। मगर परसेंटेज का भी यहाँ पे कंडीशन है डिग्री के लिए, और वो कंडीशन है अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, अगर हम रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे जाना है तो कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी सवाल यहाँ पे हमारे दिमाग में आ सकता है, और उस सवाल का जवाब है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट हमें देना पड़ेगा और उसके थ्रू हम वहाँ पे जा सकते हैं। जब भी हम कोई डिग्री वहाँ से करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है, वो आता है सैलरी के बारे में, अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो मुझे कितना सैलरी मिलेगा। पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से, 2020 के आंकड़ों के हिसाब से, ये
साबित हुआ है कि वहाँ पे 24.5 लाख पर एनम का पैकेज पिछले साल दिया गया है। जहाँ तक कि हॉस्टल फैसिलिटी का सवाल है, हॉस्टल इज़ ऑल्सो अवेलेबल, हॉस्टल फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है, जो बच्चे उसका एक्सेस अवेल कर सकते हैं, वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, जहाँ पे बी ए एम बी के लिए और कोई भी कोर्स है उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है आपके ग्रेजुएशन, ये पहला क्राइटेरिया, बाद में आपका जो भी सी कैट का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसके बाद दो और ऑप्शंस है, वो है जी डी एंड पी आई। जी डी मीन्स वॉट, ग्रुप डिस्कशन एंड प्लस मीन्स अनदर वे इज़ पी आई, पी आई मीन्स वॉट, पर्सनल इंटरव्यू। ये दोनों को मिला के आपके मार्क्स यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। और जहाँ तक ओवरऑल परसेंटाइल रैंक पी टी का सवाल है, यहाँ पे मैंने सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही लिया है, तो वो है 90, याद रखना है 90 इज़ द ओवरऑल परसेंटाइल रैंक ऑफ जनरल कैटेगरी। और एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, वो है स्कॉलरशिप। जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए ये इंस्टीट्यूशन IIM जम्मू स्कॉलरशिप ऑफर करता है। जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए ये आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो बच्चों, आज हमने देखा IIM जम्मू के बारे में, आने वाले वीडियो में और एक इंस्टीट्यूशन के बारे में हम सोचेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो बेल आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो लाइक करना है आपको, और आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में इसको शेयर करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें आपका कमेंट लिखना ज़रूरी है, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो को और भी बेहतरीन बना सके। तो आज के लिए इतना ही, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और एक इंस्टीट्यूशन के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।